हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। एक बार फिर से मैं अपने गुरुदेव, मैं अपने सर शशांक सर के साथ आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ कि आज बीपीएससी का रिजल्ट आने वाला है, तो विद्यार्थियों के मेंस की रणनीति क्या होनी चाहिए और उसके लिए सर का क्या प्रयास है, हम सर से जानेंगे। सबसे पहले तो नीतीश जी, आपका धन्यवाद। और आप चूँकि मेरे लगातार छात्र रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप को ही मैं बोलूँगा कि आप जो है लगातार दे रहे हैं मेंस, तो मेंस की रणनीति आपके लिए क्या होनी चाहिए। तो आप लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है, और लगातार आप प्रयासरत हैं, जैसा कि मैं आपको देख रहा हूँ कि 63वीं 64वीं 65वीं और अब ये 66वीं और 67वीं, मतलब लगातार आप मेंस में लगे हुए हैं। तो आपके लिए तीन बातें हैं। पहली बात क्या कि आप निरंतर प्रयासरत तो है ही, साथ में आप समयबद्ध, ठीक है, क्वेश्चन लिखने का प्रयास करें और क्वेश्चन में तथ्यों का समावेश, डाटा का समावेश अच्छे तरीके से करें। मैं और सब्जेक्ट के बारे में तो उतना नहीं कह सकता हूँ, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो वर्तमान परिस्थिति में जो परिवर्तन हुआ है, जैसा कि अभी ऑडिटर का मेंस हुआ था उसके क्वेश्चन में, और 68वीं का जो मेंस और ये आपको CDPO का जो मेंस हुआ उसके क्वेश्चन में कंप्लीट आपको अंतर देखा गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। बच्चे, मेरी आपको बस एक ही कहनी है, बात आपसे कहनी है कि देखिए, आप जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्नों को लिखते हैं तो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि विषय वस्तु को ध्यान में रख करके ही प्रश्न का उत्तर दें, उसके बाद डाटा का समावेश निश्चित रूप से करें। तदुपरांत अगर क्वेश्चन में बिहार के परिदृश्य से संबंधित कुछ बातें पूछी जा रही हैं या नहीं भी पूछी जा रही हैं, तो आपको बिहार से रिलेटेड तथ्यों का समावेश निश्चित रूप से करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों का हल कर पाएंगे और आपका जो मार्क्स है, मार्क्स वो भी, ठीक है, एक स्तरीय हो पाएगा। अनलेस आपका जो नंबर है वो उसमें काटने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो ये है परीक्षक है वो क्या करेंगे कि आपका नंबर काट लेंगे। बच्चे, आपको मौका नहीं देना है, ठीक है, नंबर काटने के लिए कोई भी अवसर प्रदान नहीं करने देना है, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में क्वेश्चंस के पूछे जाने का पैटर्न कंप्लीट बदल गया है, ठीक है, और लगातार हम लोग देख रहे हैं, बार बार हम बच्चों को बताते भी रहते हैं कि देखिए, अभी जो ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ, CDPO का जो एग्ज़ाम हुआ, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एकदम कंप्लीट डिफरेंट पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन वही, लेकिन उसके पूछे जाने का ढंग, उसके तरीके में काफ़ी अंतर आया है, और एक साथ बहुत सारे, ठीक है, प्रश्नों का समावेश एक ही प्रश्न में कर दिया गया है। तो हर पॉइंट को देख करके पहले स्केच कीजिए क्वेश्चन को, देन आफ्टर उसके डाटा के अकॉर्डिंग प्रश्नों को लिखने का प्रयास कीजिए। आप सभी जानते हैं कि सर की अपनी कोचिंग भी है, भिखना पहाड़ी रिमझिम होटल के सामने, कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी के नाम से। तो वहाँ सर साइंस ऑफ टेक अगर लोग पढ़ना चाहें तो देखिए, पहले तो मैं बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो कोचिंग खोला है वो मेरा ही नहीं है, केवल ग्रुप ऑफ टीचर्स का वो कोचिंग है। पहले तो ये क्लियर कर लें कि एक कहें शशांक सर की कोचिंग है तो ये कहना गलत होगा, ये मतलब ग्रुप ऑफ टीचर्स का है। पटना के अच्छे अच्छे एडुकेटर्स को हमने क्या किया है, एक जगह लाने का प्रयास किया है। बच्चे निरंतर मेरे से बोलते रहते थे सर कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो उस सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर दूर करने का प्रयास किया गया है। हाँ, हम लोग नए हैं, ठीक है, काम करने का तरीका, ठीक है, अलग है, लेकिन हाँ, रिजल्ट दिलाने का जज्बा ज़रूर है हमारे कोचिंग में, हमारी टीम में। तो हम मॉर्निंग में एक बैच लेके आए हुए हैं, 12 बजे भी हमारी एक बैच, नई बैच आ रही है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मैं ये स्टार्ट करूँगा वो बैच। तो बच्चों से मेरा बस एक ही आग्रह है कि बच्चे, विश्वास तो करना पड़ेगा, ठीक है, और हमारी जो टीम है वो युवा टीम है, ठीक है, और उनमें BPSC पास कराने का एक गजब का जज्बा है। अभी जो देखा गया है, जो निरंतर जो बैच मेरा सुबह में चल रहा है, उसमें देखा गया है कि बच्चे काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। बच्चों में जो है लिखने का तरीका, नए बच्चे हैं, ठीक है, नए लिखने का तरीका उनमें, ठीक है, बहुत डेवलप हुआ है। तो एकदम नीतीश जी, आश्वस्त रहें, अपने मित्रों दोस्तों सभी को आश्वस्त कर दें कि शशांक सर जो भी करेंगे वो छात्रों के हित में करेंगे, छात्रों
को देखते हुए करेंगे और ठीक है समयबद्ध तैयारी करवाएंगे। ऐसा नहीं है ये लंबा चौड़ा ठीक हम सिलेबस को ये कवर्ड आउट करके पता चला कि अंत में ठीक है कुछ कवर्ड आउट ही नहीं हुआ। तो हम लोग जो है एकदम समयबद्ध तरीके से सफलता दिलाने के लिए ये ठीक है बैच हम लेके आए हैं, और साथ में जो है ये 67वीं मेंस के लिए हमने उसका नाम भी दिया ऑफिसर्स बैच। तो हम बच्चों को स्टूडेंट की तरह ट्रीट ना करके एज ऑफिसर्स की तरह ट्रीट करके किस प्रकार आप सफलता हासिल कीजिएगा, किस तरह से आप काम कीजिएगा, तो उसको आधार बना करके हम काम कर रहे हैं। आज फाइनली रिजल्ट आने वाला है प्री का, सर क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे हम भी सुबह से थोड़ा सा ये है कि आज चिल्ड्रंस डे भी है, पहले तो हम अपने सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चे आपके आगामी एग्जाम के लिए, आपकी आगामी परीक्षा के लिए भी, आपके आगामी रिजल्ट के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और चिल्ड्रंस डे के दिन बीपीएससी का रिजल्ट कुछ बच्चों के हक में बड़ी अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ बच्चे आपको हतोत्साह होंगे। तो मैं जिन बच्चों का रिजल्ट आया उनका तो स्वागत है बेटा, आपको अगर ऑफिसर बनना है तो एकदम शशांक सर का हाथ थाम लीजिए। और जो बच्चे कहीं से भी उनका रिजल्ट थोड़ा बहुत के लिए चूक जाता है तो हम उसको चूकना नहीं कहेंगे, क्योंकि बीपीएससी ने निरंतर अवसर प्रदान किए हैं। ठीक है फिर लग जाना है और आगे ठीक है प्रगतिशील रहना है। 68वीं का पीटी आपको पता ही है 12 फरवरी को होने वाला है, तो उसमें उसके लिए तैयार हो जाएं। और जो असफल रहते हैं बेटा, ये नहीं है कि उसको सफलता नहीं मिलती है, केवल ऑ को हटा दीजिए फिर सफलता मिल जाएगी। तो उसके लिए ऑ को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ठीक है आप सारे सब्जेक्ट्स को कवर ना करके कुछ ठीक है सर्टेन सब्जेक्ट्स को अगर कवर आउट करेंगे तो आपका रिजल्ट निश्चित रूप से होगा। चलिए तो आप सभी को यही कहना चाहेंगे कि असफलता और असफलता जिंदगी की एक जिंदगी का एक हिस्सा है, और असफलता को मानकर बैठ जाने वाले लोग वही होते हैं जिनको जिनके बारे में कहा जाए कि जिंदगी उम्मीदों का नाम है, नाकामियां तो कमज़ोरों की पहचान है। आपकी कमजोरी आपका आपके जीवन का केंद्र नहीं होना चाहिए, आपकी कमजोरी आप उसे कैसे सुधार कर जीवन में आगे बढ़ते हैं या आपके जीवन को बेहतर बनाता है। मेंस की रणनीति हो या फिर किसी विषय पर कोई खास बात, पहले भी हम सर के साथ रूबरू हो चुके हैं आपके लिए, और फिर आगे अगर कोई ज़रूरत वैसी होगी तो फिर सर से बात करेंगे इस मसले पर और आपके समक्ष फिर वीडियो आपको निरंतर देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।